Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Adhyay 10, Shlok Sankhya 21. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne se pehle, Guru aur Gauranga se Krupa ki yachna karte hue Mangala charan karenge, taki hum jo adhyayan kar rahe hain, uska pura pura labh prapt ho sake, jo ki hai Krishna prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Nivritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishamsa Shri Rupam Sagrashatam Sahakana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parisana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahakana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Suti Devi Pranamami Hari Priya Vaishakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita Mahat Ki Jai. Adhyay 10 Vibhuti Yog Shlok Sankhya 21. Bhagavan Sri Krishna ke mukharvind se nikle hue in atyant hi madhur shabdon ko mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, Aditya Namaham Vishnu Jyotisham Raviranshuman Maricir Marutamasmi Nakshatranamaham Shashi Adityanamaham Vishnu Jyotisham Raviranshuman Maricir Marutamasmi Nakshatranamaham Shashi Adityanamaham Vishnu Jyotisham Raviranshuman Maricir Marutamasmi Nakshatranamaham Shashi. Shabdart Adityanam, yani Adityo me, aham me hum, Vishnu Param Eshwar, Jyotisham, yani samast jyotiyon mein
रवि सूर्य अंशुमान किरणामाली प्रकाशमान मरीची मरीच मरुतामा यानी मरुतों में अस्मि मैं हूँ नक्षत्राणाम तारों में अहम मैं हूँ शशि चंद्रमा अनुवाद मैं आदित्यों में विष्णु प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मरुतों में मरीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद के इस छोटे से पाठ से बहुत कुछ समझ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि करता है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश का परावर्तित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृत प्राप्ति नहीं हुई है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 21। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपके अस्तित्व पर आपके शब्दों पर पूरा का पूरा विश्वास करता हूँ। अर्जुन ने जब भगवान के विषय में श्रवण किया, उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के श्लोक नंबर 14 में कहा सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। कृष्णा आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं इस इट इज स्वीकार करता हूँ। और इस भौतिक जगत में आपके अतिरिक्त और कुछ भी जानने योग्य नहीं है, इसलिए आपके विषय में श्रवण करने से बहुत आनंद आता है। अब आपको क्योंकि और कोई तो जानता नहीं है, आपको केवल खुद स्वयं आप ही जानते हो, तो आप मुझे अपने विषय में बताइए ना। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिरिहि शुणवतो नास्ति मेमृतम। आप विस्तार से बताते जाओ, बहुत आनंद आ रहा है आपके विषय में श्रवण करते करते करते, दिल भरता नहीं है, तो आप विस्तार से बताओ आपकी विभूतियों के बारे में
कि इस भौतिक जगत में किन किन रूपों में आपको जाना जा सकता है, आपको स्मरण किया जा सकता है। फिर भगवान ने कहा, अंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्यमे। हाँ, अभी मैं तुमको बताऊंगा अपनी विभूतियों के विषय में, बट विस्तार से नहीं, जो प्राधान्यता होंगी यानी जो श्रेष्ठ होंगी, जो प्रमुख विभूतियां होंगी उसके विषय में बताऊंगा, संपूर्ण नहीं बता सकूंगा, क्योंकि नास्त्यंतो कोई अंत नहीं है मेरे विस्तार का। उसके बाद अर्जुन को भगवान ने पहला श्लोक नंबर 20 में, और फिर भगवान ने अपनी विभूतियों को सुनाना आरंभ किया। वे बोले, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, मैं आत्मा हूँ गुणाकेश, क्योंकि तुम निद्रा और अज्ञानता को जीत चुके हो इसलिए मेरी वास्तविकता को समझ सकते हो, और मैं हर एक जीव के हृदय में आत्मा बनकर परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ, और मैं अहम आदेश से मध्यम से भूता नाम अंत एव च। जितने भी जीव हैं उनका आदि मध्य और अंत में। उसके बाद भगवान अपनी और भी अधिक विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। वास्तव में भगवान ये हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है जिससे हम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकें। इसे भगवान हमें ये बता रहे हैं कि इस संसार पर इसकी हर एक वस्तु जो आपको दिख रही है उसमें कोई ना कोई चीज ग्रेट है, यानी कि जितना भी कोई एक कैटेगरी की वस्तुओं को आप लोगे तो उसमें एक बहुत कोई ग्रेट वस्तु होगी, तो और उसके बाद कोई ग्रेटर होगा, और उसके बाद कोई ग्रेटेस्ट होगा। तो जो ग्रेटेस्ट है वो इसलिए है क्योंकि ये मुझसे कनेक्टेड है, ये मेरी विभूति है। तो अब वो मेरी विभूति है तो छोटे छोटे तो वैसे भी मेरी विभूतियां हैं, मैं वो उनके अंदर मेरा अंश है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है वो भी मेरा एक छोटा सा, मतलब छोटा सा एक नमूना है मेरी ऐश्वर्य का। तो हमको इसी बात को ध्यान से में रखते हुए हर एक वस्तु को देखना है कि ये भगवान की विभूति है। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो हर किसी की भक्ति करना स्टार्ट कर लेते हैं, कोई किसी पत्थर की पूजा करना शुरू हो जाता है, कोई किसी वृक्ष की पूजा करना शुरू हो जाता है, कोई किसी पहाड़ की पूजा करना, कोई किसी जीव की भक्ति करना शुरू कर देता है। और कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो केवल एक भगवान को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान हमें ये बता रहे हैं कि चाहे कितनी ही भौतिक वस्तुएं आपको बहुत ही उच्च लगे, कोई देवी देवता हैं वो चाहे आपको कितने ही ग्रेट लगे, लेकिन वास्तव में उनकी ग्रेटनेस जो है वो मेरे कारण है। तो हमें हर एक वस्तु को इस तरह से देखना चाहिए। ये जो सारे जो भगवान अभी अपनी विभूतियां बताएंगे ना, उससे पहले मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि भगवान ये नहीं बता रहे, जैसे भगवान अभी कहेंगे कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, और है ना पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूँ, नागों में मैं अनंत शेष हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो ठीक है वृक्षों में पीपल का वृक्ष जो है वो भगवान है तो उसकी पूजा करना शुरू कर दो, या फिर है ना पहाड़ों में हिमालय जो है वो भगवान का भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ तो फिर वो उसकी पूजा कर दो, ऐसा नहीं बता रहे भगवान। भगवान ये बता रहे हैं कि जो वस्तुएं हैं उनको देख कर आपको यह रियलाइज करना है कि भगवान की विभूति है। हम उस वस्तु को भगवान से कनेक्टेड समझें। अगर हम इसको भगवान से अलग, भगवान कहते मैं हूँ, ये नहीं कहते ये वस्तु वो भगवान है, ऐसे नहीं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, यानी कि वास्तव में मैं हूँ, मेरा अंश के कारण ये है। तो मतलब अगर हम वस्तुओं को कृष्ण से भिन्न समझेंगे ना, अलग समझेंगे, तो हम इस प्रकृति में ही उलझ जाएंगे और इस प्रकृति को ही सब कुछ मानने लगेंगे। परंतु यहाँ पर भगवान जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वो यह है कि यू शुड फील कृष्णास प्रेजेंस
हर एक वस्तु में आप कृष्ण के अस्तित्व को देखो। कृष्ण सेज द बेस्ट अमंग एनी कैटेगरी दैट इज मी, यानी जो भी वस्तुएं आप दिख रहे हो उनमें जो वस्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा ग्रेट है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो मैं हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि 12 आदित्य हैं, जिनमें विष्णु जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि विष्णु जो है उसका 8वां अवतार कृष्ण है, यानी कृष्ण जो है वो विष्णु का 8वां अवतार है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है उन सबको इतना ही पता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं 8वें नंबर के। परंतु जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में, शुद्ध आचार्यों में, शास्त्र में यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें वास्तविक ज्ञान पता चलता है कि विष्णु स्वयं ही कृष्ण का ही विस्तार है। सात्वत तंत्र में बताया जाता है विष्णुस्तु तीन रूपाणी, के विष्णु तीन प्रकार के होते हैं। और इस चीज को वेदव्यास जी जो हैं वो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 1 यानी तीसरे अध्याय में बहुत विस्तार से, जहां पर वो समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण के विषय में बताते हैं, उसके पहले श्लोक में 1.3.1 में बताते हैं जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कल कलम आदव लोक शिशिक्षया। कि सुर गोस्वामी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, जो भगवान है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे जो महतत्व है वो प्रकट किया। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के सारे तत्व भगवान ने प्रदान किए और भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही ये सब किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यस्याम बसी शयनास्य, उसके बाद यस्याम बसी यानी एक अम्बसी यानी जल के अंदर, योग निद्रा में तन्विता, फिर उसके अंदर वो योग निद्रा में बैठे हुए। अभी वो आए कहाँ से हैं, वो भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से एक महाविष्णु प्रकट हुए हैं और वो कारण दक्षिण जल के ऊपर शयन कर रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं और उनके अंदर से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और उसके बाद हर ब्रह्मांड में एक और गर्भोदशाई विष्णु आते हैं और क्या होता है, नाभि हृदाम्भुजाम दासी ब्रह्मा विश्व सृजाम्पति, फिर उनकी नाभि से एक कमल की नाल निकलती है और वहां पर ब्रह्मा विश्व विश्व सृजाम्पति, ये जो ब्रह्मा जी हैं जो सारे संसार की सृजन करते हैं वो उनसे उत्पन्न होते हैं। और आगे बताते हैं कि उनसे फिर जब बहुत सारे ब्रह्मा जी बहुत सारे सृजन कर लेते हैं, फिर उनके हृदय में एक अवतार होता है विष्णु का, जिसको गर्भोदशाई विष्णु बोलते हैं। और जो गर्भोदशाई विष्णु होता है उसका एक अंश जो है वो संपूर्ण जीवों के हृदय में है, और वही जो गर्भोदशाई विष्णु है, क्षमा, जो क्षीरोदशाई विष्णु, अभी गर्भोदशाई विष्णु क्या क्या हुआ कि उनकी नाल से एक डंडी निकली और ब्रह्मा जी उसमें, तो ब्रह्मा जी अभी सृजन कर रहे हैं और सृजन करने के बाद क्षीरोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु जो होते हैं वो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप के हृदय में बैठे हुए होते हैं, और वही क्षीरोदशाई विष्णु जो है वो अवतार लेते हैं। यानी ये अवतार लेने का कार्य जो है वो उन्हीं से है। ये वास्तव में जो विष्णु है वो और कोई नहीं है, ये भगवान का ही अंश होता है, लेकिन ये जो भौतिक जगत में जगत का जो सिस्टम है वो सारा उन्हीं को भगवान ने दिया हुआ है भाई, क्योंकि ये सारे कार्य जो है वो भगवान की शक्तियां करते हैं। तो भौतिक जगत में साधारणतया तो विष्णु ही अवतार लेते हैं, परंतु यहाँ समझना ये है कि विष्णु स्वयं भगवान का ही अवतार, भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। ये ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा विष्णु के विषय में बताया जाता है
कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो जो के अवतारी हैं और बाकी सब जो है वो भगवान के अवतार हैं या कलाएं हैं। तो वो कैसे है, जैसे एक रूम में 24 कैंडल्स रखी हों, 24 अवतार है ना भगवान के मुख्य, वो 24 कैंडल्स रखी हों, उनमें से वो सब बुझी हुई हों लेकिन एक कैंडल जल रही है। अब जो कैंडल जल रही है उससे आप सारी कैंडल्स को जला दो और उसको बीच में रख दो तो दिखने में क्या लगेगा, वो सब एक जैसी लगेंगी। अभी उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सब सेम कैंडल, उनके अंदर सेम पावर है, सेम पोटेंशियल, सेम ऐश्वर्य है, परंतु फिर भी भिन्नता भी है। क्या भिन्नता है कि बाकी सारी कैंडल्स जो हैं वो उस कैंडल की वजह से जल रही हैं, तो जो ओरिजिनल कैंडल है वास्तव में कृष्ण है जिसके द्वारा ये सारे विष्णु आए हैं। और यहाँ पर भगवान कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, कि वो आदित्य के जितने भी आदित्य हैं उनमें मैं विष्णु हूँ। तो और इसके अतिरिक्त भी भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूपा जी बहुत ही सुंदर रीति से बताते हैं कि जैसे श्री रूपा गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज हैं। वैसे तो भगवान की असंख्य क्वालिटीज हैं लेकिन वहां पर श्री रूपा गोस्वामी 64 क्वालिटीज के विषय में बताते हैं और बताते हैं कि उसमें से 60 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि विष्णु के अंदर भी हैं लेकिन आखिरी की जो 4 क्वालिटीज हैं वो उनके अंदर नहीं है, वो केवल कृष्ण के अंदर है। और वो क्या है, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुख्य जो है वो है लीला माधुर्य। अभी विष्णु भगवान जो है वो विष्णु फॉर्म में कभी भी लीला माधुर्य नहीं करते हैं, विष्णु फॉर्म में वो कभी भी नहीं आते हैं इस भौतिक जगत में वो लीला करें, अपने बच्चा बन के अपने दोस्तों के साथ खेलें या जब खेल में हार जाएं तो फिर वो घोड़ा बन जाए या फिर गोपियों के साथ रास करें। वो गंभीर होते हैं, आप देखो विष्णु भगवान कैसे होते, गंभीर। लेकिन ये कृष्ण कैसा चंचल रहता है, कैसे करते, सीधा कभी भी नहीं होगा। मतलब आप श्री राम को देखो, बाकी सारे अवतारों को देखो, वो ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, सीधा सीधा खड़े होंगे, भाई भगवान है। ये कृष्ण है ना, वो सीधा कभी खड़ा नहीं होगा, तीन जगह से टेढ़ा होगा। आंखें है ना, वो सीधा देख रही, एक साइड पर देख रही होंगी, दूसरी साइड पर तीर मार रही होंगी और तीसरी साइड पर वो वहां से गोपियां जा रही हैं उसको देख रहा है, वहां से कोई जा रही है उसको छेड़ रहा है, उसको कैसे कर रहा है, उसकी उसके चरण भी टेढ़े होंगे, उसकी कमर भी टेढ़ी होगी, उसकी हरकत भी टेढ़ी होगी। तो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी काम जो है ना वो खाली कृष्ण ही करते हैं। ये लीला माधुर्य का जो रस है वो केवल कृष्ण के अंदर ही है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ और क्वालिटीज रूप गोस्वामी बताते जो सिर्फ कृष्ण के अंदर ही है। तो कृष्ण इज द सोर्स ऑफ विष्णु, कृष्ण हर एक वस्तु के भी सोर्स है। इसी तरह वो जो विष्णु है जो अवतार लेते हैं उनका भी सोर्स है। आगे वो कहते हैं ज्योतिश्याम रवि अंशुमान, ज्योतिश्याम का मतलब होता है जो चमकते हैं ना, जो शाइनिंग प्लैनेट्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं, वैसे तो दे आर सो मैनी ल्यूमिनरीज प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, बहुत सारे ये शाइनिंग ब्राइट बहुत ज्यादा प्लैनेट्स होते हैं लेकिन उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सूर्य है। क्योंकि बाकी जितने भी ये मंडल हैं जो उनको क्या बताए ल्यूमिनरी प्लैनेट्स जो होते हैं वो जितने भी हैं वो सूर्य की रोशनी से रोशन होते हैं, इसलिए उन सब जितने भी हैं प्लैनेट्स उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्योतिष्याम रवि अंशुमान, कि वो जो रवि यानी सूर्य मंडल है जिसकी करोड़ों करोड़ों किरणें होती हैं जो प्रकाश करते हैं, वो मैं हूँ और उन्हीं प्रकाश के कारण दूसरे जितने भी हैं उन सारे प्लैनेट्स को प्रकाश मिलता है। मरीचि मरुतामस में, जितने भी मरुत हैं मरुत गणों में मैं मरीचि हूँ। अब इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अंतरिक्ष में, यानी जो अंतरिक्ष है स्पेस, उसमें 50 प्रकार की वायु होती है जिसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मरीचि है।
और वह मरीची जो है वो कृष्ण की प्रतिनिधि करती है। अब जितने भी रात में जो नक्षत्र होते हैं जैसे सितारे और चंद्रमा जितने भी होते हैं वो सब, उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है? चंद्रमा है, क्योंकि नक्षत्रों में जो है वो सूर्य महान है। तो सूर्य भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र मतलब वो भी एक सितारा ही है, चंद्रमा जो है वो एक सितारा ही है, लेकिन उन सब में प्रधान है। सूर्य की बात भगवान ने पहले बता दी कि सूर्य में जितने भी ज्यादा बहुत ज्यादा ल्यूमिनरी सिस्टम है उसमें सबसे पहले तो मैं सूर्य हूँ, लेकिन जो सितारे हैं उनमें भी सबसे ज्यादा महान सितारा जो है वो चंद्रमा है, वो मैं हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इससे ये पता चलता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टमटमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश का परावर्तित करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश को ही ग्रहण करते हैं। तो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत उन अनेक सूर्यों का कोई प्रमाण नहीं, सूर्य एक ही है और बाकी सब जो है वो सितारे हैं, नक्षत्र हैं, और वो सब प्रकाश कहाँ से ले रहे हैं? वो सब प्रकाश ले रहे हैं सूर्य से। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि क्योंकि सूर्य के कारण ही सबको प्रकाश मिल रहा है तो वह सूर्य में हूँ। वेदों में तो सूर्य और चंद्रमा को भगवान के नेत्र बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय में अर्जुन भी भगवान को कहते हैं कि सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। तो वास्तव में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हर वो वस्तु जो कि सबसे ज्यादा महान है उसको देखकर यू शुड फील कृष्णस प्रेजेंस इन देयर, कि आपको ये देखना चाहिए कि ये सूर्य देखो कितना प्रकाशमान है। यदि सूर्य न होता तो हम लाइट का बिल भर भर के मर जाते। आप सोचिए अगर सूर्य ना होता तो कभी दिन न निकलता, कभी पौधों को वृक्षों को सूर्य प्रकाश प्राप्त न होता, जिसके कारण हमें अनाज प्राप्त नहीं होता। और यदि हमें अनाज फल फूल सब्जियां इत्यादि प्राप्त न होती तो हम मर जाते ना सब, बगैर खाने के लिए कुछ नहीं होता, खाली खाली अंधेरा होता, भले इलेक्ट्रिसिटी हो लेकिन फिर भी यदि सूर्य न हो तो भी हमारा जीना कठिन हो जाए, है ना। और इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो संपूर्ण जितने भी वनस्पतियां हैं उनको जीवन शक्ति देता है, तो ये सब यदि ना हो तो हमारा जीना संभव नहीं। इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि हर एक वस्तु जो कि हमें जीने के लिए सहायता करती है, जीने के लिए आवश्यक है, जिसके बगैर हम मर जाएंगे, वह वास्तव में भगवान की कृपा है। तो हर एक वस्तु को देखकर हमें भगवान की कृपा को रियलाइज करना चाहिए, हर एक महान वस्तु को देखकर हमें कृष्ण को याद करना चाहिए। तो वास्तव में भक्तों वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही असुर प्रकृति का व्यक्ति होगा जो भगवान की कृपा को रियलाइज नहीं करता, जो भगवान को सरेंडर नहीं करता, जो भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदैव भगवान को स्मरण रखना चाहिए। भगवान हमें इसलिए बता रहे हैं कि देखो हर रोज हम सूर्य के दर्शन करते हैं ना, सुबह उठती है, सूर्य जब तक उगता नहीं तब तक सुबह नहीं होती, और जब सूर्य उदय होना तो हमें ये याद करना चाहिए देखो कृष्ण आ गए, कृष्ण सूर्य देव के रूप में आ गए हैं, और वो अभी मुझे एक नया दिन दिया, मतलब मेरे को भगवान ने कृपा दी, एक नया दिन मुझे दिया जिसमें मैं आज भगवान को प्रसन्न कर सकूं। प्रसन्न करने, कल मैंने अच्छी भक्ति नहीं की थी, आज मैं भगवान को प्रसन्न करूं, क्योंकि आज देखो भगवान स्वयं आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य के ओर अधिक करीब आऊं। फिर दिन खत्म हो जाता है, फिर चंद्रमा आता है, तो हमें यह सोचना चाहिए देखो कृष्ण की कृपा, कृष्ण अपनी चंद्रमा के रूप में अपनी कृपा लेकर आए हैं कि मैं इस ठंडी सी चांदनी के उसमें प्रकाश में आनंद से विश्राम करूं, ताकि मैं वापस से सुबह को जो है वो भगवान की भक्ति कर सकूं। यानी हर एक वस्तु को देखकर हमें कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित,
सर्वविद्धि निषेधासुर एतयोर एव किंकर। जितने भी भक्ति में रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो इस एक रूल के किंकर हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। हर एक वस्तु को देखकर हमें भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करना चाहिए और यहाँ याद रखना चाहिए, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी प्रेम करने के लायक है, जो कुछ लव एबल है, जो कुछ अडोरेबल है, वो सब कृष्ण की ही कृपा है। समझो, कृष्ण का एक अंश है, तो हमें हर एक वस्तु में कृष्ण की कृपा को रियलाइज करने का प्रयास करना चाहिए।